नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वोटर गंगा किनारे वाला का सफर तय करते हुए हमने शुरुआत एक ऐसी जगह से की थी जहां एक तरफ गंगोत्री ग्लेशियर था, दूसरी तरफ यमुनोत्री ग्लेशियर, और उसके बाद एक और गंगा नदी और यमुना नदी के बीचों बीच चलते चलते आखिरकार हम उस नगरी में पहुंचे हैं जहां पर संगम हुआ है इन दोनों नदियों का और साथ ही सरस्वती का। इस त्रिवेणी संगम में लोगों की आस्था कितनी है वो मेरे चारों ओर बिखरी छटा से आप समझ सकते हैं, लेकिन उस आस्था से परे इस शहर का वर्तमान कैसा है वो जानना बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव सर पर है और उससे पहले इलाहाबाद के वोटर अपने उम्मीदवारों के बारे में क्या सोच रहा है। इलाहाबाद एकदम विकास से पिछड़ा हुआ है, यहाँ भी विकास के कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ पर जो लोग आते हैं आस्था लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको छला जाता है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। और सबसे ज्यादा ड्रॉबैक तो जनरल कैटेगरी के लिए है। हम चाहते हैं कि शराब की बंदी उसी तरह हो जिस तरह बिहार में बंद हुई है। ना विकास हुआ ना इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, जिससे यहाँ का व्यापार एकदम खत्म होता हो गया। जब सरकारी अस्पतालों में जाओ तो आपको डॉक्टर मिलते ही नहीं है, उनकी प्राइवेट क्लिनिक में जाओ तो वे हमेशा आपको उपलब्ध मिलेंगे। इस शहर का अच्छा विकास हुआ है केवल एक क्षेत्र में, करप्शन में, और ये करप्शन जाने वाला नहीं है। संगम नगरी इलाहाबाद, यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, 8 पर एसपी का कब्जा है, 2 पर बीएसपी और एक एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास है। यहाँ बेरोजगारी और गंगा के कछार में अवैध निर्माण बड़ा चुनावी मुद्दा है। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। आइए जानते हैं इस बार गंगा किनारे इन वोटरों के दिल में क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ के लोगों के, हम उनसे ही पूछते हैं। दरअसल तीर्थ नगरी हम कहते तो हैं, लेकिन सिर्फ तीर्थ नगरी नहीं, ये तो तीर्थ राज है, लेकिन क्या वो वैभव अभी इलाहाबाद का बरकरार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो लोग आते हैं आस्था लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको छला जाता है। तमाम तरह की जो है विकृतियाँ होती हैं, हमने देखा है, जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं है, इतना प्रदूषण इसमें आता है नदी में कि कुछ कहने को नहीं। इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार दूर हो, सब दूर होना चाहिए। आप बताइए। भ्रष्टाचार दूर हो। भ्रष्टाचार, दरअसल भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा पीड़ित यहाँ की समूची जनता अगर है तो युवा वर्ग जरूर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं मिल पाती है इसी भ्रष्टाचार की वजह से, ऐसा है? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक तो जनरल कैटेगरी के लिए है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई भी नेता आए तो ये जनरल और एससी एसटी ओबीसी का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इन चुनावों में जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा, आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। आप बताइए। इलाहाबाद में तो अपराध का मुद्दा है। अपराध खत्म हो, और आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपराध को खत्म कर सके? अभी तो नहीं दिख रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर राजनीतिक पार्टियों को मौके दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफा छोड़कर, कम से कम इस क्षेत्र की अगर बात करें तो मौके दिए जाते हैं, मौके पर खड़े उतरे हैं राजनेता अभी तक? नहीं। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट डालें? यहां पर भ्रष्टाचार, अपराध है और विकास नहीं हो रहा है। प्रमुख मुद्दा है कि इलाहाबाद एकदम विकास से पिछड़ा हुआ है, यहां भी विकास के कार्यक्रम होने चाहिए। और भ्रष्टाचार तो अपनी जगह हाई है, वो तो अभी इतनी गंभीर समस्या है कि इतनी तेजी से नहीं दूर हो सकती है। किस तरह के विकास को देख रहे हैं आप? विकास के नाम पे तो इलाहाबाद अभी बहुत पीछे है, और मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे है, और उत्तर प्रदेश से मैं चाहता हूँ कि जो अगर जो भी सरकार आए वो नशाखोरी उत्तर प्रदेश से शराब बंदी हो जाए। हम चाहते हैं कि शराब की बंदी उसी तरह हो जिस तरह बिहार में बंद हुई है, और भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करते हुए उन्होंने क्या है नोटबंदी कर दिया है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को प्रधानमंत्री जी राहत दें और परेशान न करें। चुनाव तो तभी आते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं, जो बोलते हैं वो करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते, 1% भी नहीं करते हैं जब चुनाव। यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कलम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, और इसीलिए उनकी ज़ुबानी भी सुन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रयाग का दर्द, मैंने चुनाव पर इस प्रदेश में जहाँ गुंडा राज, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, मेरे दो छंद हैं, मैं उस पर आपको सुनाता हूँ। कि याद उनको अब गांव आया है, कार भर कर पुलाव आया है, और उनकी बातें हुई जलेबी सी,
लग रहा है चुनाव आया है, लग रहा है चुनाव आया है। अब ये बताइए कि पिछले 5 साल में, ये मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में आपने अपने सामने इलाहाबाद में क्या काम होते देखा है, एक काम बता दीजिए मुझे। इलाहाबाद में पिछले 5 साल में सारी सड़कें बर्बाद हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, और कोई विकास भी नहीं किया गया, विकास का नारा दिया गया है और ये विकास नहीं हुआ इलाहाबाद में। कोई काम होता, क्या काम शुरू होता देखिए? काम हुए हैं लेकिन जैसे ही काम होते हैं गंगा प्रदूषण वाले जो है सीवर के नाम पूरे सड़कों के, इलाहाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश के यही हाल है कि सारे सीवर लाइन बिछाने का कार्य चालू हो गया। अब चुनाव का समय है तो सड़कें शुरू हो गया है, सीवर लाइन बिछाने का काम तो शुरू है लेकिन इस तरह ये शुरू हुआ है, इसको हुए लगभग 6-7 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, 6-7 महीने से ज्यादा हो रहे हैं सीवर लाइन का काम शुरू हो गया है। हाँ, यहाँ क्या काम शुरू हुआ है इलाहाबाद में? यहाँ के जो नवयुवक हैं वो टोटल बेरोजगार हैं, वो बाहर यहाँ इलाहाबाद का पलायन कर इलाहाबाद से छोड़ के जा रहे हैं। ये बड़ा दुख की कि ना विकास हुआ ना इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, जिससे यहाँ का व्यापार एकदम खत्म होता हो गया। कोई फैक्ट्री खुली कहीं पे? कहीं नहीं खुली फैक्ट्री वगैरह, कहीं कोई सड़क बनी नहीं, और सड़कें बर्बाद कर दी गई हैं, बनी नहीं हाँ? कोई पुल बना है? बर्बाद कोई पुल नहीं बना है यहाँ इलाहाबाद में, कोई पुल नहीं बना है इतने साल में? जी नहीं, गांव में तो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने पिछले 5 साल में शुरू होने वाले काम की बात कर रहा हूँ। कहीं नहीं बना है? जी नहीं। पानी की सुविधा बेहतर हुई है? पानी की सुविधा बेहतर हुई है जी, बिल्कुल हुई है, पानी की सुविधा बेहतर हुई है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश से शराब बंद हो, क्योंकि एक परिवार का अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका पूरा परिवार पीड़ित रहता है। अभी तो मुझे किसी पार्टी के उसमें मैनिफेस्टो में नहीं दिख रहा है कि शराब बंदी करेंगे। आप बताइए क्या काम होते देखा है 5 साल? 5 साल में तो कोई काम इलाहाबाद में हुआ नहीं, सब सीवर लाइन। कोई सोच लीजिए, कोई स्कूल खुला हो सरकारी, कोई अस्पताल? अस्पताल कुछ नहीं खुला, कोई काम नहीं इलाहाबाद में हुआ, सिर्फ सड़क खुदाई हुई है। आप बताइए सड़क खुदाई के अलावा? सड़क इलाहाबाद की पूरी सड़क खुद चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा है। 5 साल से जो विधायक बने कभी कोई गली में गए नहीं, वोट मांगते समय सब नेता आते हैं लेकिन उसके बाद कोई नजर नहीं आता। ये ऐसे वक्त पर सोचिए कि ये जो जिला अगर हम लें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इसी जिले से आती हैं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद केवल लगता है जैसे मजाक होता है इसके नाम पर। यहाँ पर बताते हैं कि इस इलाके में लड़कियां अकेले आने में डरती हैं, है ऐसा? हाँ, सेफ है यहाँ या नहीं है? यहाँ पे सेफ नहीं है, अगर आप चाहें कि यहाँ पे रात में अकेले आ जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इस इलाके में आप बिल्कुल आ नहीं सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये देश भर की समस्या जी, क्या कह रहे हैं? इसलिए सेफ नहीं क्योंकि इस क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है और पुलिस की सक्रियता न होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। चमचमाती गाड़ी तो दिख रही है, 100 नंबर लिख के जो पूरे में घूम रही है, है? वो 100 नंबर गाड़ी सिर्फ पैसा वसूलने के लिए, जो वाहन निकल जाते हैं उनको दौड़ा के उससे वसूली करने के लिए। कोई नया काम दिखा है आपको? पानी वानी घर में ठीक से आता है? पानी वानी वही आए दिन कुछ ना कुछ रहता ही है, ट्यूबवेल खराब हो जाना ये वो, तो सप्लाई का जो पानी है वो वही गंदा पानी आता है, बालू इतना आता है कि पूछिए नहीं। हाँ, और कहू बाल का ना कोई पिए तो बीमारी पड़ जाए। स्कूल का स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर का है, मतलब बच्चों के बैठने की सुविधाएं नहीं, किताब उताब की भी सुविधाएं नहीं है, टीचर वगैरह भी जो अपने मन में लगे रहते हैं बच्चों का केयर नहीं करते। अगर स्कूल का स्तर ऊपर उठे तो बच्चे पढ़ें, जब बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षा आएगा, शिक्षा तो खुद ही अपने आप को थोड़ा बहुत डेवलप करेंगे। जब सरकारी अस्पतालों में जाओ तो आपको डॉक्टर मिलते ही नहीं है, उनकी प्राइवेट क्लिनिक में जाओ तो वे हमेशा आपको उपलब्ध मिलेंगे। हम अभी दिखलाने गए थे अपने वाइफ को भी, तो यही हुआ कि आप प्राइवेट क्लिनिक पे आके दिखला लीजिए, ज़्यादा आराम से देखेंगे। शहर साफ है आप लोगों का कि नहीं? शहर साफ है? शहर गंदा है, और इस शहर का अच्छा विकास हुआ है केवल एक क्षेत्र में, करप्शन में, और ये करप्शन जाने वाला नहीं है। जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया उसको भी लोगों ने फ्लॉप कर दिया है। जनता जो है जातियों में बंट जाती है और एक पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं इलेक्शन के समय में, अच्छा कैंडिडेट चुना नहीं जाता 15 साल से, जातियों का यहाँ वो है। अच्छा, एकदम ईमानदारी से बताइए, आप में से कितनों ने एक बार भी जिंदगी में जाति के नाम पर वोट दिया है? कहने को आदमी यहाँ पे बैठे हैं, कोई ना कहे कि मैं नहीं देता, लेकिन जहाँ जब जातिवाद की समीकरण बैठती है तो जातिवाद पे वोट अत्यधिक गिरता है। व्यक्ति विशेष को देख करके उसको
योग्यता को देख करके मतदान नहीं होता है। आप जैसे विकास की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ इतने विधायक सांसद हैं, देख लीजिए एक जमुना यहाँ एक महीना कार्तिक का मेला रहता है, माघ मेला एक महीने का रहता है, लेकिन कोई सुधार नहीं। हम दरअसल आपको ये पूरा क्षेत्र भी दिखा दें कि यहाँ पर जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये पूरी जो नगरी है, यहाँ पग पग पर आप किसी पवित्र नदी के किनारे ही चलेंगे। हम यमुना किनारे तक पहुंच चुके हैं क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री से होते हुए साथ साथ देखिए दोनों नदियां आती हैं। यहाँ पर आप अभी तस्वीरों को देखकर इनसे धोखा मत खाइएगा क्योंकि पानी छोड़ा जाता है खास माघ मेले के लिए। और यहाँ पर जहाँ हम यमुना घाट पर आए हैं, यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं, लेकिन उलझन में चुने किसे, सबके अपने वादे सबके दावे। नेताओं के वादों और दावों के बीच जनता ने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया है। मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है उस बस्ती में जाना, यहाँ आप लोग रहिएगा कुछ देर हमारे साथ, क्योंकि ये जो बस्ती है, ये इस बस्ती को देखकर ये समझने की जरूरत है हमें कि क्या यहाँ पर विकास कार्य यहाँ तक पहुंचा है। हमें पहुंचना तो थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्योंकि सीढ़ियां उस ओर नहीं पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी उस बस्ती में जाकर बातचीत करेंगे क्योंकि अगर गंगा किनारे वाले वोटर की बात हमें करनी है, अगर उनसे हमें बात करनी है, तो उनकी सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वोटिंग डालना है इस बार? नहीं बना है? नहीं। आपका क्या तबीयत खराब है? अच्छा, क्या हो गया? सांस फूलता है, खांसी आती है और यही सब बीमारी है। व्यवस्था है आप लोग की इलाज की यहाँ पे कि नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई खोज खबर लेने आता है? कोई नहीं खोज, सीधा जमुना जी से पानी लेके पीते हैं। जमुना जी से लेने ये सामने भी लगे हुए हैं, जो सतीश हमारे केसरवानी जी हैं, उन्हीं ने सतीश जी कोई नहीं आता साहब यहाँ पे, नहीं फालतू वाला बात, जो बात हकीकत वही बात करते हैं। देखो कितना गंदगी है, कोई सफाई करवाए हैं यहाँ पे?